बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेदर फोरकास्ट के साथ दो न्यू सिस्टम बन रहे हैं, एक 13 मार्च को और दूसरा 16 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। जो पहला सिस्टम है वो 15 मार्च तक जारी रहेगा, जो दूसरा सिस्टम है वो 16 से लेकर 19 मार्च तक जारी रहेगा। इस सिस्टम से मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के जो बलाई इलाके हैं, कश्मीर के मकामात बारिशें होंगी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी, जबकि जनूबी इलाकों में और वस्ती इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिंध में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची से लेकर सिंध के जितने जो अंदरूनी सिंध के जितने इलाके हैं, बारिशें नहीं होंगी। इसके अलावा भी 2 से 3 सिस्टम और बन रहे हैं, जो मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में मुल्क में दाखिल होंगे, जिससे फिर पूरा मंथ ही बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। और 20 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 19 मार्च के बारिशों के बाद 20 मार्च को धूप निकल आएगी और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है और ये गर्मियों की पहली लहर होगी। इससे काफ़ी जो है गर्मी भी पड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब मार्च के आखिर में बारिशों के सिलसिले शुरू होंगे तो मौसम मुतदिल हो जाएगा। न्यू रिपोर्ट से आगाह होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हम बात करते हैं बारिशों के हवाले से कि आज के मौसम के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मौसम खुश्क रहेगा और धूप निकली रहेगी और कल से बारिशें स्टार्ट होंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।